से पूछते, ओवैसी जरा इस पे बताओ तुम्हारी क्या राय है। मैं मेरी राय ये कहूंगा कि तुम्हारा फैसला तुम क्या आएगा मेरे को नहीं मालूम, जजेस लिखेंगे फैसला, मगर मेरी राय अगर आप पूछेंगे तो मैं तो ये ऐसा फैसला चाह रहा हूं, ऐसा फैसला चाह रहा हूं कि जो हिंदुस्तान के रूल ऑफ लॉ को मजबूत कर सके, जिसको कानून की बाराकारी हम कहते हैं, हिंदुस्तान के रूल ऑफ लॉ को मजबूत करे। मैं ऐसे फैसले की उम्मीद करता हूं, क्योंकि जिस तरीके से 6 दिसंबर को मस्जिद को शहीद किया गया था, वो रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई गई थी। हम ऐसे फैसले की उम्मीद कर रहे हैं कि जो रूल ऑफ लॉ को मजबूत करेगा। और बाबरी मस्जिद की एक बात सुन भी लो, जब बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए थे 1986 में, तो कौन किसकी सरकार थी? सरकार यही कांग्रेसियों की थी। कौन था होम मिनिस्टर बताओ अशोक राय? कौन था होम मिनिस्टर जब मस्जिद शहीद हुई मेरे भाई? और जब ताले खोले गए तो इसकी हुकूमत थी। हैरत की बात की है कि जब ताले खोले गए तो जस्टिस पांडे जो है, अगर मैं केस का फरीक हूं, मेरे को नोटिस नहीं दिए, मेरे को नोटिस नहीं दिए। हम दौड़े दौड़े गए, अब तक ऑर्डर पास कर दिए। और जस्टिस पांडे अपनी किताब में क्या लिखे मालूम? मैं बाबरी मस्जिद के ताले इसलिए खोला क्योंकि कोर्ट में जब मैं गया था तो कोर्ट की दीवार पर एक काला बंदर बैठा हुआ था। वो लोग उसको खाना दे रहे थे, खाना नहीं खाया। फिर मैंने ऑर्डर पास कर दिया, जब मैं घर को गया तो वही काला बंदर बैठा हुआ था। तो मैंने समझा कि ऊपर वाले से ही इशारा हुआ, इसलिए मैंने ताला खोलने का ऑर्डर पास किया। क्या अदालत बंदर को देखकर फैसला देगी? नहीं, हकीकत है ये, उनकी किताब में लिखे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, अपनी किताब में लिखे वो। अगर मैं ये कह दूं कि मेरे ख्वाब में शेर आया, मैं शेर कैसा बन जाऊंगा, तो आप बोलेंगे दिमाग अच्छा है नहीं है तेरा। ये और बात है कि तुम्हारी मोहब्बत का मैं कायल हूं कि शेर आया कि तुम नारे लगा, मगर अगर मैं बोल दूं आप बोलेंगे क्या बोल रही है, ताले कैसा खोले गए? इस तरह खोले गए, जब जब रात के अंधेरे में मूर्तियां जाकर बाबरी मस्जिद में रखी गई, तो उस वक्त का जो कलेक्टर था ओपी नैयर, जनसंघ बीजेपी से पहले जो पार्टी थी, उसने उसको अपना एमपी बना दिया। हैदराबाद के कस्टमर्स के लिए खुशखबरी है, 100 कस्टमर्स के लिए फ्री ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जो भी इंटरेस्टेड है हेयर ग्रोथ कराने के लिए, हमें कांटेक्ट करें रिया हेयर ग्रोथ सेंटर पर, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको इस वीडियो को शेयर करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं।